के किनारे आप खड़े थे किसके लिए? राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हमने जवाहरलाल नेहरू को भी हम देखे हैं कलकत्ता में। अच्छा, नेहरू जी को भी आपने देखे हैं? और उसको माला भी पहनाए हैं नेहरू जी को। हाँ, फिर इंदिरा जी को भी देखे होंगे? नहीं, इंदिरा जी ऐसे देखे हैं, लेकिन सामना सामने नहीं, वो हम सामने ऐसे ही हुआ ना, ऐसे कलकत्ता में भी होता था। अच्छा, हम लोग ऐसे खा रहते थे, ऐसे जाता था, गाड़ी जाए ना छत्ता नहीं रहता था, छत्ता खुला हुआ, गुलाब का फूल, सारा टोपी, और ऐसे ऐसे करते करते हाथ हिलाते हुए, हाँ, पार होकर जाता था। अब राहुल गांधी को इससे पहले देखे हैं? नहीं, नहीं देखे हैं। देखने के लिए हाँ, मन हमारा सुबह से बोल रहा जल्दी से खाना वाना खाए, नहाए धोए, और हम बेटा बोले बेटा हमको तुम गाड़ी में करके छोड़ दो, वो यहाँ छोड़ कर चला गया। तो इतना भीड़ है, राहुल गांधी तो आपको देख नहीं पाएंगे। हम तो देखेंगे ना। अच्छा, राहुल गांधी तो हजारों आदमी को देख रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में है राहुल गांधी को देखेंगे। अब भीड़ हो, भड़का हो, धक्का मुक्की सब खा करके भी उनको चेहरा देखेंगे सामने से, जहाँ राहुल गांधी का चेहरा ऐसा है। जब आप कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ से आएंगे, फिलहाल हमारे साथ एक चाचा जी हैं। चाचा जी जो हैं एक लंबे अरसे से राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले कभी राहुल गांधी को इन्होंने देखा नहीं है। राजीव गांधी को इन्होंने माला पहनाया, कैमरे जब कैमरा बंद था तो इनसे मैंने पहले बातचीत किया, और उसके बाद इन्होंने बताया कि ये राजीव गांधी के समय से कांग्रेस के साथ है। पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम है सरदार भरत सिंह। भरत सिंह, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम पंजाब के रहने वाले हैं। अच्छा। लेकिन मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ। जन्म कलकत्ता में? हाँ, वहाँ से यहाँ पर में हम 70 में आ गए। 1970 में? हाँ, यहाँ आ गए। अच्छा, और मतलब 1900 पैदाइश आपका 50 के टाइम का है? हाँ, कलकत्ता। हाँ, कलकत्ता में। हाँ, 70 में आप यहाँ झारखंड आ गए? आ गए हम। हाँ, तो अभी सड़क के किनारे आप खड़े थे किसके लिए? राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हमने जवाहरलाल नेहरू को भी हम देखे हैं कलकत्ता में। अच्छा, नेहरू जी को भी आपने देखे हैं? और उसको माला भी पहनाए हैं नेहरू जी को। हाँ, फिर इंदिरा जी को भी देखे? नहीं, इंदिरा जी देखे ऐसे देखे हैं, लेकिन सामना सामने नहीं, वो हम सामने ऐसे ही हुआ ना, ऐसे कलकत्ता में भी होता था। अच्छा, हम लोग ऐसे खा रहते थे, ऐसे जाता था, गाड़ी जाए ना छत्ता नहीं रहता था, छत्ता खुला हुआ, गुलाब का फूल, सारा टोपी, और ऐसे ऐसे करते करते हाथ हिलाते हुए, हाँ, पार होकर जाता था। अब राहुल गांधी को इससे पहले देखे हैं? नहीं, नहीं देखे हैं। देखने के लिए? हाँ, मन हमारा सुबह से बोल रहा जल्दी से खाना वाना खाए, नहाए धोए, और हम बेटा बोले बेटा हमको तुम गाड़ी में करके छोड़ दो, वो यहाँ छोड़ कर चला गया। तो इतना भीड़ है, राहुल गांधी तो आपको देख नहीं पाएंगे। हम तो देखेंगे ना। अच्छा, राहुल गांधी तो हजारों आदमी को देख रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में है राहुल गांधी को देखेंगे। अब भीड़ हो, भड़का हो, धक्का मुक्की सब खा करके भी उनको चेहरा देखेंगे सामने से, जहाँ राहुल गांधी का चेहरा ऐसा है। जब आप आ रहे थे तो आप लंगड़ा रहे थे? हाँ, क्या चल नहीं पाते हैं अभी भी, और घंटों से आप खड़े थे? घंटों से, अभी 2 घंटा हो गया खड़े हुए। हाँ, अब फिर कब आएगा पता नहीं। इतनी मोहब्बत क्यों राहुल गांधी से? मैं बचपना है उसके साथ में, हमारा खानदान हाथ छाप में ही हम लोग वोट देते थे। तब आप लोग शुरू से कांग्रेस? हाँ, शुरू से अभी भी। लेकिन 10 साल से मोदी जी की सरकार है। हम नहीं दिए, वो हुआ क्या, हम हाथ छाप में दे के आ गए। ठीक है, आप वोट नहीं दिए, क्या मोदी जी का कोई आपको काम ठीक नहीं लगा? गरीबी जब बोलता गरीबी हटा दिया, देखिए ये वोट में कैसे आया, जनता का बुड़बक बनाया। कैसे बुड़बक बनाया? जनता का बुड़बक बनाया, गरीबी हटा देंगे हम लोग, गरीबी हट जाएगा। लेकिन हम नहीं दिए, सब दिया। आप मूर्ख नहीं बने? हम नहीं दिए। लेकिन मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, भीख मंगते बना कर रख दिया, फोकर का राशन खिला रहा है, अब भीख मांग रहे हैं। हम लोग सरदार जी ऐसा जानते हैं, ऐसा नहीं जानते हैं हम, देखिए ना, ऐसा नहीं जानते हैं, ऐसा जानते हैं। कांग्रेस के टाइम में आपको ऐसे मिलता था? हाँ, पैसा दे करके राशन खरीद के खाते थे, सब चीज मिलता था। यहाँ तो आधा मिलता है, आधा वो लोग खा जाता है, और कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता नहीं है। अब क्या करते हैं? हम पहले उत्पाद में नौकरी करते थे, उत्पाद शराब उराब जो पकड़ता है कैम्पू में। अब 26 साल नौकरी किए, लेकिन आज तक हमको वो लोग परमिट नहीं किया, और ना कोई पैसा दिया, क्या समझे। हम अपना जमीन उसको भाड़ा पर दे दिए, और आज तक हमको भाड़ा नहीं मिला। ये कहाँ का कानून है? हमारे से बात सामने में कीजिए, आप बोलिए। मैं किराया, हम 5 साल का किराया पाएंगे उत्पाद विभाग से, आज तक 1 रुपया हमको नहीं मिला, और हमें 2 लाख रुपया खर्चा करके उसको मकान भाड़ा पर दिए थे।
अच्छा ये बताइए, 10 साल से मोदी जी की सरकार है। हाँ। राहुल जी ये आरोप लगाते हैं मोदी जी पे कि इनके सरकार में जो है सिर्फ दो ही लोगों का फायदा हो रहा है, अडानी और अंबानी का। गरीबी जो है बढ़ता जा रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग महंगाई से मर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए वो हम आलते फालतू बात हम नहीं जानते, जो हम देख रहे हैं हाँ। हम वही हम बोलेंगे। क्या आप देख रहे हैं? जैसे कि देखिए मोदी पेपर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा, तो कहीं तो कुछ ना जो अभी बोलते जैसे 5 लाख का वो गरीबी का जो डॉक्टर उक्टर गए थे तो बता 10,000 रुपये जमा करो, तो फिर 5 लाख वो दे रहा था, 10,000 हम क्यों देंगे? हम छोड़ दिए, हम 1 लाख रुपया खर्चा करके घर पर इलाज किया ठीक हुए। तो मोदी का कागज़ तो जो बोलता है वो कागजे में रहता है, ज़मीन पर नहीं आता, आदमी के पास तक नहीं पहुँचता है। मोदी जी का विकास आप तक नहीं पहुंचा? नहीं, जाके घूम के चले आए, बस 10,000 रुपये जमा कीजिए। ये जो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, देखिए उसका बस का चीज़ नहीं है। आप सुना होगा बहुत आदमी कहते थे कि भूत नाचता है, फलाना नाचता है, घर में देवी देवता हमारा साथ देता है। जब तक देवी देवता आपका साथ नहीं देगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है? उसका ऊपर में भगवान का छाया आ गया, वो काम किया, अब बस वो हट गया। अच्छा ये बताइए 24 में क्या चाहते हैं आप लोग? 2024 में हम चाहते हैं जैसे हम लोग आगे था वही आ जाए। आगे तो वाजपेयी जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे भी थी। नहीं हम ये जानते हैं, हाँ और कुछ नहीं जानते। हमारा कमल कमल खिलेगा तब ना खुशबू आएगा सब जगह। हम कमल फमल भी हम नहीं जानते, हमारा जो दिमाग है हम इसको जानते हैं। हाँ बचपन से इसी को जानते हैं, जब वोट देते हैं ना जहाँ पे देखते हैं हाथ साफ वहीं पे। आई ये सब आपके नेता कहते हैं कि ईवीएम में भी लोग घोटाला कर रहा है, वही तो बोल रहे हैं ना, सब वही आ रहा है, ऐसे 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 कह उधर से कर देते हैं सब। सुनने में क्या चाहते हैं? सुनने में आता है बैलेट बॉक्स पर चुनाव हो कि ईवीएम से हो, साइड हो जाइए ना। अब उसका क्या ज्ञान है वो हमको दिमाग में देखिए आप जैसे इसमें आपको। अच्छा छोड़िए ये आखिरी सवाल बताइए, प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं, राहुल गांधी की मोदी जी? राहुल गांधी मोदी जी भी तो बढ़िया काम किए। नहीं हाँ उसका काम का पसंद नहीं है। चलिए ठीक है, करता है लेकिन देखिए जैसे कि आदमी को आप छोड़ दिया रास्ता में और गाड़ी आके मार देगा तो आप छोड़े किस लिए? मरने के लिए छोड़े हैं? जब उसको छोड़ता था तो हाथ पकड़ पूरा उसका पार कीजिए। ठीक है ठीक। सरदार भरत सिंह हैं, घंटों से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और एक लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ है। 10 साल में मोदी जी का कोई भी काम इनको ठीक नहीं लगा। हाँ। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।